देखिए, आज हम चर्चा करेंगे दल प्रणाली के रूप, फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। दल प्रणाली के तीन रूप हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। देखिए, एक दलीय प्रणाली जिस देश में केवल एक ही दल का शासन हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित हों, उस दल प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। एक दलीय प्रणाली वर्तमान समय में 49 देश ऐसे हैं या 49 राज्य ऐसे हैं जहां एक दलीय व्यवस्था है। इस एक दलीय प्रणाली को कभी भी संविधान से मान्यता प्राप्त होती है। अब जैसे साम्यवादी राज्यों में के संविधानों में केवल एक दलीय व्यवस्था की है, तो एक दलीय प्रणाली को सर्वाधिकारवादी और जन विरोधी माना जाता है, क्योंकि एक दलीय प्रणाली, जब किसी एक दलीय प्रणाली या एक दल की शासन सत्ता होगी तो निश्चित रूप से उसके विपक्ष में दूसरा राजनीतिक दल नहीं होगा। तो ऐसी शासन व्यवस्था में एक तानाशाह और स्वेच्छाचारिता की भावना ज़्यादा विद्यमान होगी। तो एक दलीय शासन व्यवस्था वाले, जैसे वर्तमान समय में मेक्सिको हुआ, मेडागास्कर हुआ, ऐसे राज्य हैं जहाँ एक दलीय प्रणाली है, एक दलीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। हिटलर और मुसोलिन भी एक दलीय शासन है, जैसे जर्मनी का हिटलर, नाजीवादी और फासीवादी मुसोलिन, ये एक दलीय प्रणाली के सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं और जिन्होंने एक तानाशाह का रूप प्रदर्शित किया। तो एक दलीय प्रणाली वह प्रणाली जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्तियों का दल होता है और वही शासन सत्ता में होता है। तो एक दलीय व्यवस्था एक तानाशाह, एक जन विरोधी ताकत कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है। और मेक्सिको और मेडागास्कर जैसे देश एक दलीय व्यवस्था के सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद दूसरा है द्विदलीय प्रणाली, जिस देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल हों उसे द्विदलीय प्रणाली कह सकते हैं। द्विदलीय प्रणाली जैसे अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, इंग्लैंड में अनुदार दल और मजदूर दल है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी है, इसके अतिरिक्त स्कॉटलैंड हैं, वेल्स हैं, ऐसे राज्य हैं जहाँ द्विदलीय प्रणाली है। द्विदलीय प्रणाली जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था, इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और इंग्लैंड की संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो ही राजनीतिक दल विशेष कर रूप से शासन सत्ता में, या तो अनुदार दल हो या मजदूर दल की सरकार। तो द्विदलीय प्रणाली जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ एक दलीय राजनीतिक दल के द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है और दूसरा राजनीतिक दल विरोधी के रूप में कार्य करता है। देखिए, इंग्लैंड और हमारे यहाँ भी संसदात्मक शासन व्यवस्था, परंतु हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली, दो दल नहीं है। तो द्विदलीय प्रणाली अमेरिका, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विदलीय प्रणाली, यानी देखिए द्विदलीय प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंग्लैंड और अमेरिका का हम लोग ले सकते हैं। और इसमें दूसरा जी, एक दल का शासन सत्ता होता है और दूसरा दल विरोध में होता है। अब एक दलीय द्विदलीय प्रणाली के इसके बाद में आता है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली ये एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक ही राजनीतिक दलों में अनेक राजनीतिक दल, एक देश में अनेक राजनीतिक दलों की संख्या होती है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली है, भारत है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ भी बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें अनेक राजनीतिक दल। कई बार जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन लेकर सरकार बना ली जाती है। जैसे हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत इसका एक उदाहरण है, फ्रांस एक इसका उदाहरण है, और वर्तमान समय में और भी अनेक देश हैं जहाँ ये बहुदलीय प्रणाली है। तो भारतीय बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत भी एक राजनीतिक दलों की पहले बहुत समय पहले कांग्रेस की प्रधान तो हुआ करती, परंतु और उसके बाद आज वर्तमान समय में बीजेपी की, परंतु अनेक राजनीतिक दल हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, CPM है, CPI है,
तो फ्रांस और भारत बहुदलीय व्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। जब इस बहुदलीय व्यवस्था का जो बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी राजनीतिक दल को एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो दूसरा जो विरोधी राजनीतिक दल है अगर उसको सत्ता में साथ नहीं लेकर अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दलों के हमारे देश में 9 बार मिली जुली राजनीतिक दलों की सरकार बनी है, सरकार सफल भी है। वाजपेयी के टाइम में 24 राजनीतिक दलों की, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी 17-18 राजनीतिक दलों की सरकार है और वो सफल भी रहे अपना कार्यकाल पूर्ण। उससे पहले बहुदलीय व्यवस्था में चंद्रशेखर की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो सरकारी गिरी भी, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ये शासन व्यवस्था की जो दलीय व्यवस्था के जो 3 रूप थे, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था यानी जिसमें शासन सत्ता केवल एक ही दल में निहित होती है, एक दलीय व्यवस्था है, विशेषकर साम्यवादी देशों में शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। बहुदलीय व्यवस्था जहाँ द्विदलीय व्यवस्था जहाँ एक दलीय व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसे मेक्सिको है, मेडागास्कर है। द्विदलीय व्यवस्था का उदाहरण है जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है। इंग्लैंड में अनुदार दल और मजदूर दल है, अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। और बहुदलीय व्यवस्था जो कि भारत और फ्रांस में बहुदलीय शासन व्यवस्था। देखिए किसी भी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ये दलीय व्यवस्था के रूप हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में एक दलीय व्यवस्था को बहुत कम देशों में अपना रखा है। ज़्यादातर देशों में या तो द्विदलीय व्यवस्था होगी या बहुदलीय व्यवस्था होगी। तो ये दलीय प्रणाली के एक तरह से पार्ट हैं, सिस्टम हैं, उसके रूप हैं। तो ये दलीय प्रणाली के यानी फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स दल प्रणाली के 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। और जिसमें ज़्यादातर अधिकांश देशों में अगर देखा गया तो द्विदलीय और बहुदलीय व्यवस्था को ही अपनाया गया है और यही शासन व्यवस्था एक तरह से सफल भी है और वो देश आज सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है।